नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भारतीय वायुसेना के एक जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी क्या खबर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है देवेंद्र शर्मा। क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने का शक है। बता दें, जवान को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे इंडियन एयरफोर्स की संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई है और आरोपी की पत्नी के बैंक खातों से भी कुछ संदिग्ध लेन देन मिले हैं। आखिर ये कैसे उस महिला की चपेट में आ गया, यह भी एक बड़ा सवाल है, जिसमें कहा जा रहा है कि देवेंद्र शर्मा की एक महिला से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हो गई। बातचीत आगे बढ़ी, फोन पर बातें हुई और देवेंद्र शर्मा हनी ट्रैप में फंस गया और फिर उसके जरिए संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई और यहीं से यह मामला शुरू हुआ। फिर यह मामला निकल कर आया और देवेंद्र शर्मा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब खबर यह है और मुद्दा यह है कि आप में से कितने लोगों ने इस खबर को अभी तक देखा है, इस खबर को टीवी चैनलों पर देखा है, क्योंकि यह इतनी बड़ी खबर है और यह सिर्फ एक नाम मात्र की चलने वाली खबर है। देवेंद्र शर्मा नाम है, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है और हनी ट्रैप का यह मामला है। पाकिस्तान से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। अगर इसका नाम देवेंद्र शर्मा की जगह दानिश होता तो अब तक टीवी चैनलों पे इसे लेकर प्रोग्राम हो चुका होता साहब, और अब तक ना जाने कितने टीवी शोज इसे लेकर बहस कर रहे होते, प्रोग्राम चल रहे होते, बहस कर रहे होते और इसके पूरे खानदान का काला चिट्ठा निकाल लिया जाता। केवल इसका नाम दानिश नहीं, देवेंद्र शर्मा है, इसलिए ये खबर आपको अभी फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिल रही। आप सुबह की एक गिरफ्तारी है और टीवी चैनलों पर यह कितनी आपने देखी है यह आपको बखूबी पता है। अगर इसका नाम दानिश होता तो अब तक आपको प्रोग्राम में इसका नाम मिलता, इसका घर मिलता, इसके तार जोड़ते, इसके परिवार में कौन कौन है वो मिलता, इसके फोन से क्या क्या मिला ये मिलता, इसके तार कहां तक जुड़े हैं ये मिलता, और ये कहां गया है, कहां से आया है, इसने कहीं हाल फिलहाल में कहीं हवाई यात्रा भी की है ये भी पता चल जाता कि ये पाकिस्तान गया था या अमेरिका गया था, अफगानिस्तान गया था, ये सब मीडिया आपको बता देती केवल अगर इसका नाम देवेंद्र की जगह दानिश होता। लेकिन फिलहाल इसका नाम दानिश नहीं, देवेंद्र शर्मा है और एक किस समुदाय से आते हैं आपको पता है, और इन्होंने जो काम किया है वो भी आप बखूबी जानते हैं और इसीलिए एक खबर ज्यादा जोर नहीं पकड़ रही। और हैरानी इस बात पर है कि अभी तक, अगर इसका नाम, उसी बात पर मैं आ रहा हूं, अगर इसका नाम देवेंद्र की जगह दानिश होता तो तमाम हमारे देश के नेता भी खड़े हो जाते और एक से बढ़कर एक नेता के बयान सामने आते। वो नेता कहते कि ये देश के गद्दार हैं, ये इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, और एक से बढ़कर एक बयान देते, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाते, UAPA लगवाते और ना जाने कितने नेता ऐसे बयान देते जो आप खुद नहीं सोच पाते। लेकिन हैरानी इस बात की कि इसकी गिरफ्तारी हुई है और सुबह से इसकी गिरफ्तारी हुई है, ना कोई मीडिया चैनल पर बड़ी बहस देखने को मिली है और ना ही किसी नेता का बयान सामने आया है। मैं हैरान हूं साहब कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हो गई है और कोई कहने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है और किसी से इस मामले को लेना देना नहीं है। ये उस समुदाय से आते हैं जो समुदाय अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहता है, सबसे बड़ा देशभक्त कहता है, और इनके काम जरा आप देख लीजिए। देवेंद्र शर्मा इनका नाम है और इन्होंने जो काम किया है वो भी आप देख लीजिए। अब कौन इस पर सवाल उठाएगा और कौन यहां पर राजद्रोह कहेगा, कौन यहां पर इन्हें बताएगा कि आखिर ये देश के गद्दार हैं, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, अपनी खुफिया जो बातें हैं, संवेदनशील जानकारी हैं, उन्हें किसी और के साथ साझा किया है जिसके तार पड़ोसी मुल्क के साथ जुड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है। और इस देश का माहौल जो एक मीडिया बनाती है, क्योंकि मीडिया आपको ये सच्चाई दिखाएगी नहीं, मीडिया तब दिखाती जब उसे TRP मिलती। जब इसका नाम देवेंद्र की जगह दानिश होता तब ये दिन भर चलता, जैसे कि जहांगीरपुरी में आपने अंसार को देखा कि दो चार दिनों तक मीडिया ने मुद्दा खूब घुमाया।
वो अंसार था इसलिए, लेकिन ये देवेंद्र है। तो आपको मीडिया चैनल पर अभी तक इसकी खबर देखने को नहीं मिली, कोई प्रोग्राम नहीं मिला, कोई प्राइम टाइम नहीं मिला, किसी नेता का बयान नहीं आया, किसी नेता ने कोई प्रक्रिया नहीं दी। ऐसे ही होता है। और अब देखने वाली बात होगी कि मुद्दा कहां तक जाता है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और खासकर सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तब तक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज़।